कुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि बजीज पैरेट के अंडे और बच्चे कैसे लिए जाते हैं और उसके लिए ब्रीडिंग बॉक्स या मटकी कौन सी चीज़ बेस्ट है या बेहतर है। तो ये देख सकते हैं, ये हमारे पास बजीज के लिए आ गई है मटकी और ये मोहम्मद रहीम ने रख दी है उसके ऊपर ढक्कन। तो वैसे सर्दियों में मटकी ठंडी होती है लेकिन फिर भी बेस्ट होती है, तो लेकिन ढक्कन इसका लगाना लाजमी है। और ये लगाते हैं हम सर्दियों के अंदर, गर्मी के अंदर ढक्कन हटा देते हैं, वो भी आपको सारा बताएंगे, दिखाएंगे कि कैसे लगती है। सबसे पहले आप ये देख सकते हैं, ये एक छोटी मटकी है, बड़ी नहीं है। बड़ी जो होती है साइज़ में वो कॉकटेल रिंगने के लिए होती है और भी बड़े के लिए होती है। ये सबसे छोटी भी नहीं है, सबसे छोटी होती है फिंचज़ की, वो और भी इससे छोटी होती है। ये साइज़ आप देख सकते हैं, ये आगे से इसका बिल्कुल गोल जो ये सुराख है होल लगा हुआ है, पीछे से ये दो सुराख हैं, ये क्रॉसिंग के लिए दी जाते हैं। और इसको कैसे हैंग करना है, कैसे लगाना है वो आपको दिखा दूं। आपकी जो कामन होती है शटिंग वायर जो आती है, जो शटिंग वायर बोलते हैं या स्टील वायर, जीआई वायर, जैसे से वो कुछ बोलते हैं, लेकिन शटिंग में अक्सर यूज़ होती है, जगह बन रही होती है कोई, आपने देखी होगी सरे वगैरह लगते हैं जिसमें, तो वो भी लगाते हैं। लेकिन ये थोड़ी कड़क स्टील वाली जीआई वायर भी बोलते हैं इसे, स्टील की वायर भी बोलते हैं, जो आपको समझ में आए। ये आप देख सकते हैं कड़क है, इसको गोल लगाना है ऐसे और यहाँ से बंद कर देना है और आगे से इसका ऐसे टांगने के लिए थोड़ा शेप बना देना चाहिए। ये हमने प्लास की मदद से ये बनाई है और लगाई है, और ये हमारे पास पहले मौजूद थी तो हमने वही इसको सेम लगा दी। और ये जो सुराख हैं, आप यहाँ से भी कुछ लोग ऐसे करते हैं के जीआई वायर से बांध के फिर अपने केज के अंदर डाल लेते हैं, लटका देते हैं, तो कोई मसला नहीं है, वो भी सही है। और हमारे पास ये बॉक्स ऑप्शन है, हम बाहर से लगा सकते हैं, लेकिन बाहर से ये मसला होता है कि मटकी का भी आगे पीछे हिल जाती है तो बरंडा बाहर निकल जाता है। लेकिन जिनका मास्टर केज है, बाड़ के अंदर है या किसी कमरे के अंदर है, फिर तो वो लगा सकते हैं, उनका कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जिसको थोड़ा भी अंदाज़ा नहीं है कि बाड़ बाहर निकल सकता है, ओपन एरिया में है या आउटसाइड या ओपन अवेरी है उसके बाद, तो वो बाहर ना लगाएं, एहतियात करें, क्योंकि उससे उसका परिंदा जा सकता है। कोई जो परिंदा है वो ब्रीड में भी होता है, कभी बच्चों पे होता है, कभी अंडों पे होता है, तो वो निकल भी जाता है। मैं दिखाता हूँ आपको बाहर से लगा के, ऐसे टेम्पररी बंद है सुराख, मैं निकाल नहीं रहा, ऐसे टांगनी होती है, तो इसमें क्या होता है साइड से जगह बन जाती है थोड़ी बहुत, तो उसमें क्या होता है कभी कभी परिंदा हिल जाती है तो वो निकल जाता है। तो बच्चे के साथ अगर फीमेल निकल गई तो भी मसला, मेल निकल गया तो भी मसला, और पेयर आपका अलग से ख़राब हो जाएगा, ये भी मसला। और आज हम इसकी करेंगे सेटिंग, पहले तो ये स्टिक इस तरीके से नहीं लगानी हमें, क्योंकि ये सारी चेंज करेंगे। और हमेशा ऐसी साइड पे ये मटकी लगानी होती है तो इसका जो बाहर का मुँह है वो इस डायरेक्शन में हो, ताकि उसको सिक्योर महसूस हो बर्ड को। जब बर्ड सिक्योर महसूस करता है तो ही वो उस नेक्स्ट बॉक्स को एक्सेप्ट करके अपना ब्रीडिंग की जगह समझता है। नहीं तो क्या होता है, बर्ड अपने मतलब छुपने के लिए जगह बना लेता है, फिर वो अंडे बच्चे नहीं करेगा, पर अंदर छुपने के लिए जगह बना देगा, वो छुप के बैठा रहेगा। तो फ्रेंड्स, अभी तक पहले सब्सक्राइब जिसने नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हम आपको ये मटकी भी लगा के दिखाते हैं कि किस तरीके से लगती है, और हम मोहम्मद रहीम को वो दिखाते हैं, मोहम्मद रहीम आपको लगा के दिखाएगा कि कैसे लगानी है। अगर आपके पास लकड़ी का बुरादा है तो आप इसमें थोड़ा सा डाल सकते हैं, या फिर कंगनी का छिलका, जब ये दाना साफ़ करते हैं वो आप थोड़ा सा डाल सकते हैं, बजरी के लिए बता रहा हूँ मैं। अगर नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है, इसमें थोड़े बहुत पंख होते हैं, वो खुद ही जमा करते हैं, वो जो गिरते हैं, बाकी बजरी के लिए इसमें ज़रूरी नहीं है कोई चीज़ डालने के लिए। लेकिन लकड़ी का बुरादा होगा थोड़ा बहुत इसमें, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जब बच्चे आते हैं तो वो लिक्विड जो होते हैं वो पोटी करते हैं, ताकि वो लिक्विड जो सूख जाए और उन बच्चों को ना लगे। तो पहले मोहम्मद रहीम को बोलता हूँ, थोड़ा लकड़ी का बुरादा हमारे पास पड़ा है तो उसमें छोटा सा बारीक वाला लकड़ी का बुरादा हम थोड़ा इसमें डाल लेते हैं। लकड़ी का बुरादा आ चुका है हमारे पास, ये देख सकते हैं, लेकिन ये मोटा है तो हम इसमें से क्या करेंगे, बारीक बारीक छोटा छोटा जो है ना वो हम इसमें थोड़ा सा डाल लेंगे, ये देख सकते हैं। तो अभी ये मोहम्मद रहीम डालेगा और बड़ा बड़ा जो ऊपर ऊपर हम निकाल लेंगे, और इसको थोड़ा मसला है ताकि छोटा भी हो जाए, ताकि बर्ड को भी ना लगे। इतना ज़्यादा भी नहीं डालना है, क्योंकि क्या होता है ज़्यादा डालने से अंडे उसके छुप जाते हैं, फिर पता ही नहीं चलता अंडों का। तो ऐसे भी नहीं करना है कि इतना भर दें हम, बिल्कुल थोड़ा सा हल्का, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल थोड़ा सा है, ये आपको शायद वीडियो के अंदर ज़्यादा लग रहा होगा लेकिन बिल्कुल कम है, ये एक मुट्ठी भी नहीं डाली इसने, बहुत कम डाला है। आपको मैं दिखा दूँ हाथ लगा के,
ये आप देख सकते हैं कितना बहुत कम है, ये देख सकते हैं अब क्लियर नज़र आ रहा है, तो इतना काफ़ी रहता है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और अगर इसमें क्या होता है, कुछ ऐसी फीमेल होती है जो बाहर के नेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करती, वो सारा ये बुरादा बाहर फेंक देती हैं और अपने लिए खुद घोंसला सेट करती है। कुछ ऐसी होती है वो एक्सेप्ट कर लेती हैं तो कुछ बाहर निकाल लेती हैं, और जब दूसरे अंडे बच्चे आते हैं तो वो खुद ही मटकी साफ़ कर लेती है। तो फ्रेंड्स आए अब मटकी लगाते हैं हम, फिर आपको दिखाते हैं कि कैसे लगती है। और पहले स्टिक भी सेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको केज को जो है खोलने के लिए आप एहतियात ज़रूरी करें, क्योंकि अगर बड़ा केज खोल लें तो आप कोशिश करें कि किसी शेड के अंदर या तो ठीक है, या तो फिर इस परिंदे को निकाल के किसी नेट के अंदर डाल लें ताकि ये बर्ड आपका भाग ना जाए। क्योंकि पहले स्टिक सेट करेंगे, पहले स्टिक ऐसा करते हैं क्योंकि हम दो हैं तो और एहतियात भी करना है, हमारा ये ओपन अवेरी है तो बर्ड बाहर भाग भी सकता है। पहले स्टिक सेट कर लें फिर आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स हमें स्टिक हटाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये भी डिस्टेंस काफ़ी था, और इसके अलावा एक कोने में लगी हुई थी, ये हमारे पास एक स्टिक जो बाहर से मिलती है शॉप से अक्सर, ये हमने हटा दी है। तो अब उस कोने के अंदर हम ऐसे मटकी लगाएंगे उसका फेस का डायरेक्शन जो है, मतलब मुँह का हमारी तरफ भी ना हो, अंदर की तरफ भी ना हो, ताकि दूसरे बर्ड ना देखे तो अनसिक्योर उसे महसूस ना हो, सिक्योर महसूस करे वो, और हमारे पास जल्दी आ जाएगा गुड न्यूज़। और हमारे पास जैसे ही आएंगे इसके अंडे और बच्चे वो भी आपको दिखाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स ये फाइनली हमारी मटकी लग चुकी है बजरी के अंदर, और हमारे पास इंशाल्लाह जल्दी प्रोग्रेस आ जाएगी, वो भी आपको दिखाएंगे।